नमस्कार भाइयों बहनों, आपका YouTube के मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर प्रसाद चेंबर्स, सोनल मैरिज हॉल के नज़दीक करवे रोड, पुणे भारत, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, कई स्त्रियां बचपन से ही उनकी चेस्ट की या ब्रेस्ट की बाड़ बराबर नहीं होती है। कुछ बाड़ होने के बाद, ग्रोथ होने के बाद वो रुक जाती है, और जिसे हम अंडर डेवलप कहते हैं, कि उनके शरीर यष्टि के प्रमाण में ब्रेस्ट की साइज कम गिरती है, फ्लैट रहती है। और जब लड़की जवान हो जाती है तो उनको मन ही मन में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। दूसरा प्रकार ऐसा है कि दो या तीन प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट का साइज एकदम कम हो जाता है, खाली हो जाता है, या किसी कारण से वेट लॉस हो गया, वज़न कम हो गया, बहुत एक्सरसाइज किया, डाइटिंग किया, तो उसमें भी ब्रेस्ट का साइज कम होता है और एम्प्टीनेस आ जाता है। उससे जो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक है वो छाती की निकल जाती है, और उससे उस व्यक्ति को, उस महिला को दुख होता है। आज इसमें सुधार करने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट कई सालों से उपलब्ध है, या फिर शरीर में अगर चर्बी हो और ज़्यादा उभार अगर नहीं चाहिए हो, ज़्यादा प्रोजेक्शन ब्रेस्ट का नहीं चाहिए हो, एक सीमित अमाउंट में फैट से वो सुधार हो सकता है। आज हम ब्रेस्ट इम्प्लांट का इस्तेमाल जिस महिला में किया गया उसकी केस स्टडी देखते हैं। 27 साल के उम्र में उनके ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुई है। उनकी हाइट है 5 फीट, वेट है 48 केजी, छाती का घेर है 28 इंच, बाकी के सारे मेजरमेंट करने के बाद ऐसा अनुमान निकालने गया कि उनको 220 या 240 सीसी का जेल इम्प्लांट अच्छा दिखेगा, और उससे उनको कुछ तकलीफ नहीं होगी, वहाँ पे कुछ टेंशन नहीं आएगा। बिकॉज ये महत्वपूर्ण बात है कि उपलब्ध स्किन का पॉकेट क्या साइज़ का है, उसमें थोड़ा सा छोटा ब्रेस्ट इम्प्लांट बिठाने से बाद में उनको तकलीफ़ नहीं होती है, छाती पे टेंशन नहीं आता है, दर्द नहीं होता है, और ब्रेस्ट इम्प्लांट निकल के आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये सारा प्रोसीजर लोकल एनेस्थेसिया, क्षेत्रीय एनेस्थेसिया और सेडेशन या नींद की दवाई, इसमें किया गया। सर्वसाधारण 2 घंटे ऑपरेशन को लगते हैं। ब्रेस्ट के नीचे फोल्ड में 4 सेंटीमीटर का कट लेते हैं। ये कट आवश्यक है, इससे बारीक नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हम जो इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं, जेल इम्प्लांट, उसका साइज बड़ा रहता है और वो फोल्ड नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन के बाद पेशेंट 2-3 घंटे आराम करता है, और ड्रेसिंग के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ, एंटीबायोटिक पेन किलर का प्रिस्क्रिप्शन के साथ घर लौटता है। 2 दिन आराम करना आवश्यक है, और 3rd-7th दिन, 15 दिन के बाद और 1 महीने के बाद रीचेकअप के लिए, ड्रेसिंग के लिए आना आवश्यक होता है। कभी कभी ड्रेन का इस्तेमाल होता है, छोटी सी ट्यूब रहती है, वो साइड में रखी हुई रहती है, 3rd दिन निकाली जाती है। इसका कारण अंदर कुछ ब्लड जमा हो, फ्लूइड जमा हो,
तो वो बाहर निकल के आता है, उससे प्रॉब्लम्स कम आते हैं। एक महीने के बाद किसी भी खास प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, आप अपना दैनंदिन जीवन बिता सकते हैं, शारीरिक संबंध और स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू कर सकते हैं आहिस्ते आहिस्ते। साल में एक बार चेकअप को आना जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, किधर दर्द हो रहा है, साइज में कमी ज़्यादा है, कभी कभी अंदर पानी जम सकता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी ब्रेस्ट इम्प्लांट सख्त हो जाता है, जिसको कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। तो ये बेहतर है कि चेकअप एक साल में एक बार करना आवश्यक है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इम्प्लांट क्या ये परमानेंट है? नहीं, इम्प्लांट परमानेंट नहीं है। 5 या 10 साल उसका लाइफ रहता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा इम्प्लांट बॉडी के अंदर बिना दिक्कत रहता है और पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। बट कई बार ऐसा होता है, इन्फेक्शन हो सकता है या रप्चर होता है, लीक होने लगता है, साइज कम हो सकती है, तो ऐसे केसेस में इम्प्लांट निकालना पड़ता है और दूसरा रिप्लेस करना पड़ता है। हर इंसान जो इम्प्लांट सर्जरी करता है तो ये अवश्य ध्यान में रखे कि इम्प्लांट ये परमानेंट नहीं है। इसमें आपका या डॉक्टर का दोष नहीं रहता है, बॉडी रिजेक्ट करती है, कारण अनेक है। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपके मन में और प्रश्न होंगे या सुझाव होंगे तो अवश्य संपर्क कीजिए 9373504565 या संकेत स्थल को भेज दे www.cosmeticsurgerypune.com। वहाँ पे रिव्यूज़ है, बिफोर आफ्टर फोटोज़ है, इन्फॉर्मेशन है और वीडियोज़ भी है। उसके साथ साथ YouTube पे मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, वहाँ अनेक प्रकार के कॉस्मेटिक सर्जरी के वीडियोज़ है, अवश्य देखें और आपका अभिप्राय लिए। अगर आपको ज़्यादा रिव्यूज़ देखना है तो गूगल रिव्यूज़, व्हाट क्लिनिक रिव्यूज़, जस्ट डायल रिव्यूज़ पे भेज दीजिए। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, इस महिला केस स्टडी में देखते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा इम्प्लांट बिठाया जाए और कपड़ों में से उभार दिखना चाहिए। हर व्यक्ति की चेस्ट की साइज़ अलग होती है, ब्रेस्ट की साइज़ अलग होती है, पॉकेट की कैपेसिटी अलग होती है, लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो इसलिए कुछ मेजरमेंट्स लिए गए और उसके मुताबिक ये डिसाइड हुआ कि 220, 240 या 250 तक सीसी का सलाइन नहीं परंतु सिलिकॉन इम्प्लांट बिठा सकते हैं। पेशेंट को ये सारी बातें बताई गई और उनको ये भी बताया गया कि बहुत बड़ा इम्प्लांट अगर कैपेसिटी से ज़्यादा हो और बिठाने का प्रयत्न किया गया तो इनिशियली वो बैठ भी सकता है, लेकिन इंसिजन लाइन फट के आ सकती है। इंसिजन लाइन नहीं फटी तो बहुत टेंशन रहता है, चेस्ट के ऊपर दर्द होता है, पेन होता है। तो उन्होंने ये बात मानी और कितने साइज का इम्प्लांट बिठाना ये जजमेंट मुझ पर छोड़ दिया। इम्प्लांट कई प्रकार के आते हैं, कई कंपनियों के आते हैं और हर दिन नए नए उसमें मॉडल्स और वेरिएशंस आ रहे हैं। उसमें से अप्रोप्रिएटली एक राउंड सिलिकॉन जेल इम्प्लांट विथ रफ सरफेस इस्तेमाल करने वाले हैं, जो मैं आप मेरे हाथ में है। ये फोल्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अंदर भरने के लिए इंसिजन बड़ा लगता है, 4 सेंटीमीटर कम से कम लगता है। उसमें से बड़ा पॉकेट निर्माण किया जाता है और वो अंदर सरकाया जाता है, फिसलाया जाता है। इसको उभार
है, उसकी मेमोरी है, और वो इम्प्लांट में से बिठाने के बाद ब्रेस्ट पे अच्छा दिखता है। इंसिजन के टाके रहते हैं, एक लंबी लाइन रहती है जो ब्रेस्ट के नीचे फोल्ड है उसमें रहती है। अभी इम्प्लांट इंसर्ट किया गया है और ऑपरेशन के बाद इस प्रकार से ब्रेस्ट में बढ़ोतरी हो गई है, साइज में, अपीयरेंस में चेंज हो गया है, प्रोजेक्शन आ गया है एंड पेशेंट भी बहुत खुश है। इसको तीसरे और सातवें दिन ट्रीटमेंट के लिए, ड्रेसिंग के लिए मेरे क्लिनिक में वापस आना पड़ता है। जो टाके हैं वो अपने आप निकल जाने वाले, डिजॉल्व होने वाले हैं, मुझे नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। एक महीना तक कोई भी शारीरिक संबंध या स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करना है, लाइट वर्क करना है, हाथों की हलचल बहुत कम करना है, और स्पोर्ट ब्रेसियर पहनना है। उससे ब्रेस्ट को सपोर्ट रहता है और टाइट रहता है, ज़्यादा हिलते नहीं है इम्प्लांट्स। सर्वसाधारण जख्म पूरी भर जाती है पहले 15 दिन में, और उसके बाद 15 दिन रुकते हैं। कभी कभी थोड़ा सा लीकेज हो सकता है, थोड़ा सा पानी फ्लूइड सीरोमा होता है वो बाहर निकल के आता है। एक बार टाके मजबूत हो गए, आपको दर्द नहीं है और हलचल करते समय टाइटनेस नहीं महसूस हो रहा है, तो आप सर्वसाधारण एक्टिविटी 1 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं। आपके मन में और कुछ प्रश्न हो तो अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद।